आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपना फोन उठाओ, क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अच्छा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 विल बी। तो फोकल लेंथ क्या दिया, 1/f दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इसको हम मान लेंगे कैपिटल ए, और ये हो जाएगा 1/f1। और f1 का वैल्यू क्या दिया है, दैट इज 2 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि पॉजिटिव है, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और जब हम इसे इस लेंस को लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/f2 दैट इज इक्वल टू म्यू अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, 1.25 दैट इज म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज आवर इक्वेशन 2। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू है हमारा 1.5। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, f2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.25 माइनस 1 इन, और इन ए जो है वो कट जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, f2 क्या आएगा, f2 इक्वल टू 1 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 0.25, ये हो जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारा जो फोकल लेंथ आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लास 11 12 से लेके नीट के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप।